गाइस, वेलकम टू पीएसके व्लॉग्स। तो आज हम मिल रहे हैं दो दिन बाद, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे कॉलेजेस भैया स्टार्ट हो गए हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और बहुत सारे यार, इस कॉलेज वाले इतना काम दे देते हैं, मतलब कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी काम नहीं होता है। प्रैक्टिकल में वैसे भी नंबर मिल ही जाने, उसके बाद भी काम सौंप देते हैं कि भैया ये आपको बनाना है, ये दिखना चाहिए। उस दिन उसका कोई काम नहीं होता जो फाइल्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत। और लिखते लिखते मेरे यार हाथ बिल्कुल दुख गए हैं। खैर, तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं आज वीडियो। तो आज मैं खाने वाली हूँ दाल चावल। अच्छा, ऐसे कौन करता है बताओ, मिर्ची से कौन मिलाता है? तो आज मैं खाने वाली हूँ दाल चावल। और चावल है यहाँ पे, आज मैंने रखा है यहाँ पे तीखा वाला, बिल्कुल चोखा है ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रख लेती हूँ ये दाल। ठीक है, तो ये जो है हमने दाल ले ली। मेरी मेरी बाजरे पलाइया, सॉरी ये क्या गा दिया मैंने। तो आज की वीडियो में मैंने रखा है दाल चावल। ठीक है, इसमें तड़का लगा हुआ है केवल मिर्ची का, जीरे का तड़का आज मम्मी ने नहीं लगाया, बहुत कम डाला है। चावल है, यहाँ पे है तीखा बिल्कुल चोखा आलू का। ठीक है, आप में से किसको किसको पसंद है आलू के चोखे? ठीक है, बहुत तरीके के चोखे बनते हैं। डीम का चोखा बनता है, मतलब अंडे का चोखा, ये पता नहीं कब आविष्कार हुआ मुझे नहीं पता, बट हमारे यहाँ तो भाई आलू के चोखे ही बनते आए हैं शुरू से और हम यही खाए हैं। तो कभी वो भी ट्राई कर लेंगे, देखेंगे कैसा लगता है आखिर। यहाँ पे है बैगन भाजा, हाय रब्बा, ये मुझे इतना पसंद है। अच्छा, इसमें से जो ऑयल निकलता है ना, आप में से किसको किसको पसंद है मुझे बताना, क्योंकि इसका जो ऑयल है वो बंगाली खास करके जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और हमारे बिहार में भी बहुत अच्छे चाव से खाया जाता है, और हमारे यूपी में भी खाया जाता है वैसे, पर बंगाली खास करके बहुत ही चाव से खाते हैं। तो इसका ऑयल किसको किसको पसंद है मुझे कॉमेंट करके बताना। ठीक है, इसका जो ऑयल निकलता है मस्त लगता है, मैंने इसमें डाला भी हुआ है, अभी मैं देखूंगी इसके अंदर है कि नहीं। यहाँ पे आलू और कद्दू की सब्जी, जो कि चावल के साथ बड़ा मस्त लगता है। और अगर मैं वीडियो शूट नहीं कर रही होती ना, तो मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं सब्जी ढेर सारा रखती, यहाँ चावल रखती, मार मतलब बहुत ही मज़ेदार लगता है। कद्दू की सब्जी के साथ चावल किसको किसको अच्छा लगता है मुझे ये भी बताना, क्योंकि इसके साथ चावल क्या मस्त लगता है यार, मज़ा आ जाती है बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने रखे हैं सैलेड, टमाटर है, गाजर है, प्याज है, यहाँ पे है मिर्ची। और आज मैंने रखा है इधर, बहुत टाइम के बाद बिल्कुल ठंडी ठंडी छाछ, इतनी ठंडी में मेरा गला भी ख़राब हुआ था, ठीक अभी ढंग से हुआ भी नहीं कि मैं फिर से ठंडा पीने लगी। मेरा गला पता है एक बार ख़राब हो गया था, ठीक हुआ, फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी कोका कोला, फिर ख़राब हो गया था, फिर अभी ठीक हुआ है। अभी फिर वही जुगाड़, तो फिर वही है कि ख़राब हो जाए। तो सबसे पहले ना ये खाते हैं, ठीक है, ये खाते पहले देखते हैं। और ये बहुत ही इजी है इसको बनाना, इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, मतलब बच्चा बच्चा बना लेगा इसको। ठीक है, बस इसको कुछ नहीं करना है, चावल में ऐसे और इसका ऑयल देखिए, मैंने इसके ऊपर डाला था ना, ये ऑयल भी है इसमें, बहुत ही मस्त लगता है यार। अब मेरा ये मानना यार, तमीज़ से खाओ तब जब किसी और के घर जाओ, ठीक है, और हैबिट किसी चीज़ की इतनी जल्दी नहीं हो जाती है। घर में रहो, बिंदास खाओ यार, कौन देख रहा है? अब खाने में भी तमीज़ दिखाएं, मतलब हर जगह तमीज़ में, तो फिर ऐसे तो फिर पेट ही नहीं भरेगा, दिल खोल के खाया जाता है। और अभी टीवी पे बहुत अच्छा गाना आ रहा है, पता है जो फ्री वाला टीवी है ना, मेरे घर में फ्री वाला टीवी है, तो उस पर ना बस भोजपुरी ही आता रहता है हर समय। किसको किसको भोजपुरी गाने पसंद है मुझे बताओ। मैं मूवीज़ नहीं देखती, पर गाने आ जाते हैं, तो इस पर मोगली वगैरह मैं देखती रहती हूँ, दिन भर मैं मोगली ही देखती रहती हूँ। कभी कभी मन होता है कि चलो गाने लगाते हैं, तो यही गाने आते रहते हैं जब देखो, पर मस्त लगता नहीं, कुछ कुछ गाने बड़े मज़ेदार हैं।
बैगन भाजा के साथ चावल कौन कौन खाता है यार, मुझे कमेंट करके बताओ। और कौन बिल्कुल दीवाना है। मुझे बहुत पसंद है बैगन भाजा, पोटल भाजा, ये सब बहुत पसंद है। अच्छा छाछ वगैरह ना, छाछ दही ये हमेशा खाते पीते रहिए। क्यों? इससे पेट ठंडा रहता है और पेट की काफ़ी सारी समस्याएं ना दूर रहती हैं। तो ठंडी ठंडी चीज़ें जितनी हो सके, ठंडी मतलब यानी कोल्ड ड्रिंक मार वहाँ पिए पड़े हैं ऐसा नहीं, अच्छी चीज़ें जो शरीर के लिए अच्छी हैं जैसे कि दही वगैरह खाइए, छाछ पीजिए, ठीक है, सत्तू पीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा, बहुत ही फ़ायदा करेगा। चने वने का सत्तू जो होता है ना, थोड़ा सा हरा मिर्चा काट लीजिए, हरी मिर्ची वगैरह काट के, कांदा काट लीजिए यानी कि जो प्याज है थोड़ा बहुत काट के, मस्त बना के पीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत फ़ायदा करेगा आपको, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। बहुत स्पाइसी है। ऐसा
तो गाइज़ मेरी मम्मी आई थी ऊपर कुछ काम से, तो इसलिए मैं बोल नहीं पा रही थी। मतलब शुरू से लगातार बोलो तब तो ठीक है, बट बाद में अचानक से कोई आ जाए ना तो मतलब बोलने में अजीब लगता ना थोड़ा, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही थी। और अभी शाम का टाइम हो गया है, शाम क्या 7:30 से ऊपर हो गया है। अब मुझे अभी टंकी में पानी भी भरना है। आपके घर में किसने जिम्मेदारी उठा रखी है पानी भरने की, सही से बताओ। मैंने उठा ली, बड़ा पछता रही हूँ मैं। 3 महीने से यार सुबह सुबह 8:30 बजे मुझे उठना पड़ता है पानी भरने के लिए, आके फिर सो जाती हूँ मैं पानी भर के। लेकिन 4-5 बार मैं ऊपर नीचे सीढ़ियाँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हमारे छत पर एक चुल्लू भी पानी गिरे, ठीक है, एक चुल्लू भी पानी फालतू गिरे मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और अगर ये जिम्मेदारी मैं ना लूँ, मेरी फैमिली वाले ले लें, तो पता ही क्या होगा कि एक टंकी भर के पानी गिरता रहेगा घंटों, ठीक है, मतलब एक एक घंटा 1.5 घंटा मोटर चलेगा लेकिन एक टंकी भर के पानी गिरती रहेगी, दूसरी टंकी ऐसे जस की तस खाली रहेगी। तो इसलिए वो जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। करीब 5-6 महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए हमारे छत पर एक चुल्लू भी पानी मैंने गिरने नहीं दिया है। तो आप में से कौन कौन है जो जिम्मेदारी उठा रखा है, घर की कोई भी जिम्मेदारी उठा रखा है और उसको करने में उसको लग रहा है कि यार बड़ा पछता रहा है इसको जिम्मेदारी को लेके, सही से बता। मैं बहुत पछता रही हूँ यार। मुझे किसी भी खाने के साथ अनियन बहुत अच्छा लगता है, पता है। मुझे आदत हो गई है अनियन खाने की। अभी मुझे अपनी ASMR की वीडियो शूट करनी है। ये शूट करने के बाद मैं ASMR की वीडियो भी शूट करती हूँ अपनी हमेशा। तो गाइस खाना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। दाल बची है क्योंकि चावल यहाँ नहीं था। और डोंट वरी, ये वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप खाना वेस्ट करते हो, आप वैल्यू नहीं है आपको खाने की, आप गरीबों को दे दिया करो। तो साफ साफ शब्दों में मैं बता दूं, मेरे यहाँ कोई भी खाना वेस्ट नहीं होता है, हमें भी खाने की वैल्यू है, हम भी बड़ी मेहनत से कमाते हैं, बहुत मेहनत से आता है हमारे घर में भी। मैं इतनी ज़्यादा दानी वानी नहीं हूँ, ठीक है, आपको सोचने की शक्ति दी है भगवान ने, आपके पास हाथ पैर हैं, आप कमाइए खाइए, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मेरी तरफ ना एक आई थी, कोई लेडी थी, भीख मांग रही थी, तो हमने उसको बोला, मेरी स्कूटी घर के बाहर खड़ी थी सामने, तो मैंने सोचा, मेरा मन था उनको देने का, क्योंकि छोटा सा बच्चा लेके आई हुई थी, बहुत ही छोटा सा बच्चा था, तो उस बच्चे के लिए मुझे बहुत मोर लग रहा था, तो मैंने सोचा कि यार दे देते हैं। बट मैंने कहा उनसे कि मेरी स्कूटी ये रखी, आप इसको साफ़ कर दो। मैंने उनको पहले ही बोला कि मैं आपको 40 रुपये दूंगी, 50 रुपये दे दूंगी। उन्होंने कहा नहीं, ये सब हम लोग नहीं करते। अरे आप खुद ही सोच लो, ऐसे लोगों को मैं क्या दूँ, वो डिज़र्व ही नहीं करते बिल्कुल यार, ठीक है। आप थोड़ा सा स्कूटी साफ़ कर दो, मैं आपको 50 रुपये बोल रही हूँ देने के लिए, वो भी आपको नहीं करना है। उनको लगता है ना कि भीख मांगना एक तरीके से ना काम कर रहे हैं, हम ये खुद ही हम एक काम कर रहे हैं, एक बिजनेस चला रहे हैं, उनको ये फील होता है। तो ज़्यादा जहाँ लगे वहीं दीजिए, सबको मैं नहीं कह रही हूँ, जहाँ लगे वहाँ दीजिए, सबको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मन मत बढ़ाइए किसी का, ठीक है, वैसे तो फिर कोई काम ही नहीं करेगा।
खैर तो बहुत ही मज़ेदार खाना था आज का। आई होप कि आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और आज मेरा मन था खिचड़ी खाने का, लेकिन मैंने कहा यार दाल चावल बना हुआ था तो मैंने सोचा चलो दाल ही चावल खा लेते हैं, क्योंकि मम्मी ने चावल थोड़ा सा ज़्यादा बनाया था तो मैंने सोचा चलो खा लेते हैं, क्योंकि मेरा हिस्सा फिर बच जाता ना, छूट जाता, फिर वो फेंकना पड़ता तो वेस्ट हो जाता फालतू इस वजह से। और फिलहाल मैं अपनी ASMR की वीडियो के लिए अभी चावल तो बनाऊंगी ही बनाऊंगी वैसे भी, क्योंकि ये चावल मैंने सुबह के चावल थोड़ा सा बचा हुआ था मैंने ख़त्म कर दिया उसको, ठीक है। और हमारे घर में खाना वगैरह वेस्ट नहीं होता है, इवन हमारे भाई लोग अगर खाना वेस्ट हो जाए ना तो मेरा छोड़िए, मम्मी का छोड़िए, मेरे भाइयों को भी नहीं पसंद है कि हमारे घर में थोड़ा भी खाना वेस्ट हो, ठीक है, फालतू बने। तो इस वजह से तो फिलहाल मैं जाऊंगी, अब मैं ASMR की तैयारी करूंगी, अपनी ASMR के लिए खाना बनाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें बनानी है अगेन, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी में होती है तो बहुत सारी चीज़ें बनानी है, तो खाना बनाऊंगी, चावल वगैरह भी आज बनाना पड़ेगा मुझे, तो सब बनाऊंगी, उसके बाद फिर वीडियो शूट करूंगी अपना। मेरी ज़िंदगी हर एक बात बताऊँ बर्तन धुल धुल के ही ख़त्म हो जानी है, मुझे को पता है इतने बर्तन धुलने पड़ते हैं यार, इतने बर्तन धुलने पड़ते हैं, ऊपर आओ तो ASMR के बर्तन धुलो, फिर नीचे जाओ तो घर के बर्तन धुलो, उसके बाद फिर ऊपर आओ तो पता चले छोटी छोटी छोटी, अच्छा ASMR में छोटी 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 कटोरियाँ हो जाती हैं बहुत सारी, ठीक है, तो बहुत सारा मतलब थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे धुलते धुलते मतलब और गुस्सा आती है, फिर तो नीचे भी धुलो जाके बर्तन, ऊपर भी धुलो, बड़ा दिमाग ख़राब होता है। मेरी मम्मी कहती है मैं बर्तन धुल दे रही हूँ, बर्तन की जिम्मेदारी मैं ले ले रही हूँ, पता नहीं क्यों, मैं सच्ची बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरी मम्मी जब बर्तन धुलते हुए मैं देखती हूँ ना मुझे बड़ा अजीब लगता है, तो मैं कहती यार हटो यार धुल रहे हैं ना, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है पता नहीं क्यों, इसलिए मैं बर्तन की जिम्मेदारी मम्मी को नहीं देती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। खाना बनाते हुए ठीक है मम्मी अच्छी लगती हैं पर बर्तन मैं नहीं धुलने देती उनको, ठीक है, मुझे मैं बर्तन खास करके मेरे ASMR का तो बिल्कुल भी नहीं।